बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सर अशरफ शेख एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स ऑन आवर YouTube चैनल सर अशरफ। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम कोवर एंड हाइड्राइड के हवाले से और मजीद एक्सप्लेनेशन आगे आपके सामने डिस्कस करूंगा। और यहां पर जो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं नेचर को आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं, नेचर ऑफ कोवर एंड हाइड्राइड्स। जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि ग्रुप 3A के एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है, ग्रुप 4A के एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होंगे, ग्रुप 5A के एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होंगे, ग्रुप 6A के एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होंगे और ग्रुप 7A के एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होंगे, तो एज अ रिजल्ट इनके मिलने से जो हाइड्राइड फॉर्म होगी, ठीक है, वो हाइड्राइड आपके पास कौन सी हाइड्राइड कहलाएगी स्टूडेंट? कोवलेंट हाइड्राइड कहलाएगी। ये बात पहले हम कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट, जो हाइड्राइड आपके पास बन रही है वो कोवेलेंट हाइड्राइड तो है, लेकिन इन तमाम कोवेलेंट हाइड्राइड्स के नेचर में आपस में डिफरेंस है। नेचर का मकसद इनके जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, किस लिहाज से? एसिडिक और बेसिक बिहेवियर के लिहाज से और न्यूट्रलिटी के लिहाज से। हाइड्राइड स्टूडेंट आपके पास ग्रुप 3A और ग्रुप 4A के एलिमेंट से जो बनती है, इट इज क्वाइटली न्यूट्रल। जो ग्रुप 5A के एलिमेंट्स स्टूडेंट आपके पास हाइड्राइड बनाते हैं वो बेसिक हाइड्राइड्स कंसीडर की जाती है, और ग्रुप 6A और 7A के एलिमेंट जो हाइड्राइड स्टूडेंट आपके पास बनाते हैं, इट इज प्योरली एसिडिक इन नेचर। ठीक है, क्योंकि HCl देखो ना, एसिड है, H2S का भी एसिडिक बिहेवियर होता है। सो हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 3A एंड ग्रुप 4A एलिमेंट्स आर न्यूट्रल, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5A आर बेसिक, एंड हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 6 एंड 7A एलिमेंट्स आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है स्टूडेंट, ग्रुप 6A वाले एलिमेंट को अगर मैं कंपेयर करूंगा ग्रुप 7A वाले एलिमेंट के साथ, सो हाइड्राइड्स का जो नेचर होता है स्टूडेंट, एसिडिक कैरेक्टर अगर मैं नोट करूं ग्रुप 6A और 7A वाले हाइड्राइड्स का, अगर मैं कंपेयर करूं आपस में, तो जो ग्रुप 7A वाली हाइड्राइड्स है, इट इज हाईली एसिडिक एज कम्पेयर टू द ग्रुप 6A एलिमेंट्स हाइड्राइड। और यानी एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट जो है पीरियोडिक टेबल में आपके पास क्या होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ जब आप जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगी आपके पास। ठीक है, टॉप टू बॉटम अगर ग्रुप 6A के एलिमेंट्स में ही मैं ऊपर से नीचे की तरफ अगर मैं डिस्कस करूँ, या ग्रुप 7A के एलिमेंट्स की हाइड्राइड्स को मैं ऊपर से नीचे की तरफ डिस्कस करूँ, देखिए ऊपर आएगा आपके पास फ्लोरीन आएगा, फिर क्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा, फिर आयोडीन आएगा, और इसी तरह से पहले ऑक्सीजन आएगा, फिर आपके सल्फर आएगा, फिर सेलेनियम, एंड सो ऑन। सो टॉप टू बॉटम भी आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है स्टूडेंट, ये इंक्रीज होती चली जाती है। तो टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीजेस। ठीक है, अच्छा, अब जो स्टूडेंट हम यहाँ पर नेचर जो है मैंने आपके साथ डिस्कस किया कोवेलेंट हाइड्राइड्स का, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जो हम लास्ट पार्ट जो है इसका, यूजेस जो है इसकी और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और देन हम इंशाल्लाह कोवेलेंट हाइड्राइड्स को माइंड करेंगे। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।